हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नितिन शेरपा। तो आज हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट का सब लोग स्टूडेंट और टीचर राबंगला जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लास्ट ईयर है। सो हमें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सकर्शन जाना पड़ेगा। उसके लिए हम आज राबंगला जा रहे हैं। सो हम तीन रेडी होकर आए। ये है अलका, हाय बोलो। हेलो। ये आयता, हेलो। और हमारे और दोस्त भी आने वाले हैं। और हम प्लाजा के अभी हम बाजार से यहाँ नामची प्लाजा में आए हैं, क्योंकि हमारा ये बस ठीक यहीं आकर रुकता है और हमें यहीं पर जाना पड़ेगा। हमारा कॉलेज बस आ रहा है। सो 8:30 का दिया है टाइम, हम वेट कर रहे हैं। बोलो गाइस, आज मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ। हमको हिंदी बोलना नहीं आता है। आता है, थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बोलना। तुम बोलो, कहाँ जा रहे हैं? हम आज राबंगला जा रहे हैं एक्सकर्शन के लिए। एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड है। सो गाइस, हमारा एक लेट दोस्त भी आया है, उसका नाम है जीना राय। जीना, क्यों लेट आई तुम? इतना भारी था, देखो ना कितना हैवी है ये ना। ये क्या है, क्या है बोल दो। इस पे है ब्रेड और ब्रेड और घी और वाटरमेलन। कितना भारी और पानी भी है ना। उसने हमारा लंच का सामान लेके आया, हम भी लेके आए, ये भी लेके आइए, ये भी लेके आइए। सब तो अपना अपना है, सब शेयर करके खाएंगे। सो गाइस, सो फाइनली गाइस, हमारा बस भी आ चुका है और हम सब लोग बैठे हुए हैं बस में। तो गाइस, हम जब जा रहे थे तब मैंने ये रास्ते में मोनास्ट्री का क्लिप थोड़ा सा कैप्चर किया है। आई डोंट नो ये कौन सा मोनास्ट्री है, पर कितना अच्छा दिख रहा था। So guys, finally we reached our destination, that is Kanchulama Museum। और हम इस पर ही अपना वो असाइनमेंट कर रहे हैं। और आज इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सो मैं थोड़ी थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। तो अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और ये है अंदर का व्यू। So now I'm going to show you Kanchulama's dresses when he was British Army, Gorkhali Army. You can see all his dresses, things that he used. और वहाँ पर भी कंसुलामा का स्टैचू है, फोटोज़ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
सो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं। ये बाहर छोटा सा गेट है, ये गेट ओपन होने के बाद हम अंदर जाके आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ। सो नाउ अभी हम अंदर आ चुके हैं। अब आपको मैं ये फोटोज और स्टैचू क्लोजली दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हम गंजुलामा के घर की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ उनकी वाइफ और आई डोंट नो कौन कौन रहते हैं, और लेट्स सी कैसी है। सो गाइस मैं घर का सराउंडिंग्स कैप्चर करना ही भूल गई। इतना अच्छा सराउंडिंग्स है, आप लोग तो देख सकते हैं, इतना अच्छा है। सो गाइस आप देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा गर्मी है, और अभी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, दैट इज़ बुद्धा पार्क। सो लेट्स मीट देयर। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड, एंड ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है रावणगंगा सनी डेज में, कितना अच्छा लगता है। अब विंटर टाइम में आते हो तो इतना अच्छा व्यू नहीं दिखता है, क्योंकि बुद्धा पार्क एक क्या बोलते हैं ठंडी जगह है, बहुत फगी रहता है। सो आज हम लकी है जो हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। सो गाइस ये रा बंगला का बुद्धा पार्क का व्यू है, ऐसा दिखता है बाहर से गेट, और यहाँ से हमें टिकट लेकर अंदर जाना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये व्यू। पहले भी मैंने बोला था कि आप विंटर टाइम में आएंगे तो आपको ये व्यू नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एकदम वो क्या ठंडी वाली जगह है। सो आप सनी टाइम में आएंगे या समर टाइम में आएंगे तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। सो यहाँ मेरी दोस्त से बोल रही थी कुछ, तो मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया उसका वॉइस, सॉरी। पर आप देख सकते हैं यहाँ का ये सराउंडिंग्स कितना अच्छा है। सो नाउ आफ्टर क्लिकिंग सो मैनी पिक्चर्स अब हम नीचे जा रहे हैं। गाइस हम म्यूजियम जाके भी ये बुद्धा पार्क आए थे, सो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉग डाला है, उसमें मैं वॉइस कवर अप करूँगी। सो अब हम लंच करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, तो सब लोग एकदम हंगरी है। तुम हंगरी हो ना? बहुत ही ज्यादा हंगरी हूँ मैं तो। उसने तो लंच भी इतना ज्यादा लिया है ना, कैरी करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा थोड़ा है पर हम शेयर करते खाते हैं। शेयरिंग इज लविंग। हाँ सबको हो जाएगा। ये दोनों भी तन तन भारी बुक, इन दोनों के बैग में देखो, इन दोनों ने भी लंच लिया है। ये दोनों लंच के बाद। तो गाइस आफ्टर लंच वी आर गोइंग बैक टू आवर होम रूम, और क्या बोलते हैं अपने अपने घर जा रहे हैं। और मैं भूल गई थी हमारा दो बस था, मैंने वो दूसरा बस का क्लिप नहीं लिया क्योंकि मैं भूल गई थी। और अब मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।